नमस्कार भाइयों, आपका भाई यानी कि मैं वापस आ गया हूँ एकदम बेहतरीन ब्रो स्टार्स की वीडियो के साथ। और भाइयों, इस वीडियो में जो ये नया हॉट जोन वाला मैप आया है अपडेट के बाद, इसमें हम बेहतरीन मस्ती भरे मैचेस करेंगे। और भाई प्ले दबा देता हूँ पहले मैं, फिर बात करेंगे। तो भाई हम बॉस से खेलेंगे। और भाई बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि पैम और ये 8-bit जो है इसका सुपर अगर हॉट जोन के अंदर डाल दिया जाए तो एकदम बढ़िया जीत मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके सजेशन के कंक्लूजन जो निकला है उससे ये पता चलता है कि ये अपना फ्रैंक, हाँ अपना फ्रैंक भैया और एल प्रीमो और डेरिल, ये तीन एकदम टॉप प्लेयर हैं हॉट जोन के अभी तक। बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को तो भाई ये जो मैप आया है हॉट जोन का, इसमें इसमें सिर्फ वो ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वो माइंस बिछा देगा बीच में, तो अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या हम जीत पाते हैं या नहीं। ठीक है भाई, मैंने यहाँ रिको को मार दिया है, पोको थोड़ा दिक्कत दे रहा है। सामने भी एक बो है तो मामला टक्कर का होगा। ओके, हमारे पास बी भी है, उसने अच्छा काम करा। ओके, मैं यहाँ पे माइंस बिछा देता हूँ अब। ओके, मेरी माइंस ने बो को शिकार कर लिया और रिको को भी शिकार कर लिया, सबको शिकार कर लिया भाई माइंस ने तो। ओ भाई, हमने डोमिनेट कर लिया है हॉट जोन को, भाव बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे एकदम छुप जाता हूँ और एकदम अटैक कर दूंगा। ओके, बहुत ही बढ़िया अटैक हुआ, तारा ने अपना सुपर यूज कर दिया। वाओ वाओ वाओ, क्या हो रहा है ये। हाँ, एकदम बढ़िया करके जीत रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया करके हम जीत रहे हैं, 5-0 से हम जीत रहे हैं। लेकिन असली गेम तो आखिरी के 30 सेकंड में ही शुरू होता है क्योंकि तब पॉइंट्स डबल हो जाते हैं और एकदम मस्ती फैल जाती है। तो भाई यहाँ पे अपोनेंट थोड़ा पावरफुल हो रहा है तो मैं यहाँ पे माइंस बिछा देता हूँ अपनी। ओके, ओ मैंने पोको को मार दिया, मैंने रिको को भी मार दिया और मैंने बो को भी बस मार दिया। ओ भाई, मैंने तीनों को मार दिया, अकेले मैंने तीनों को मार दिया, वाओ। ओके, अब तो भाई हमारी जीत के चांसेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गए हैं। ओ मैंने रिको को दोबारा मार दिया, वाओ। ओके, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई हट यार, मेरे को पोको ने मार दिया। तो भाई मैंने तब भी बीच में माइंस बिछाई हुई हैं, इसे टेंशन की कोई बात नहीं है। और एक कोई हमें स्पेक्टेट भी कर रहा है, ये भी मैं कुछ देखूँ। ठीक है भाई, माइंस थोड़ी कम हो गई थी तो मैंने दोबारा बिछा दी। ओ भाई, माइंस बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, देखो आप देख लो, अपने सामने आंखों के सामने है आपकी कि तारा का सुपर और माइंस, ये दोनों बढ़िया काम कर रही हैं। मैं दोबारा यहाँ पे माइंस बिछा देता हूँ। ठीक है भाई, ओ भाई अब तो मैच खत्म हो गया, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, बस 10 सेकंड और इंतज़ार करना है हमें और फिर हमारे सामने जीत हमारे कदमों में होगी फिर। ओके, मैंने पोको को मार दिया है। ठीक है भाई, 3-2-1 गो, मैच ओवर एंड हम जीत चुके हैं। और आपका भाई है स्टार प्लेयर एज एक्सपेक्टेड। तो भाई आपका भाई स्टार प्लेयर है, इसी के साथ मैं दूसरा मैच बो से खेलूँ या किसी और से, तो यार चलो छोड़ो बो से ही खेलते हैं। भाई बो इतना बढ़िया खेल रहा है तो उसे बदलना क्यों, बार बार बदलना क्यों, बो से ही खेलो। ओके भाई, दूसरा मैच भी शुरू हो चुका है और पोको और पैनी है इस बार टीम में, पैनी भी अच्छा रहेगी अगर वो अपना टैरेट अच्छी पोजीशन पे लगा दे। ठीक है भाई, ओ भाई हाँ, एम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एम्स बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ब्रॉल, मतलब क्या है ये हॉट जोन में। और मिस्टर पी है भाई, हाँ नया ब्रॉलर, न्यू ब्रॉलर मिस्टर पी, सॉरी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैंने उससे ट्राई करा है बस। हाँ, लेकिन एक बढ़िया ब्रॉलर है, पेंगुइन जैसी शक्ल वाला, ये जो आपके सामने है, आप लाइव देख लो भाई उसका गेम प्ले लाइव है, हमारे अपोनेंट में ही है वो और हार रहा है, इतना बेकार ब्रॉलर है। वैसे यार ब्रॉलर से कुछ नहीं होता, खेलने वाले का वो तो दिमाग होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बातों में पोको को मार दिया। हाँ, मिस्टर बी का मेरे को सुपर अच्छा लगा, वो कुछ ऐसा है कि मतलब बार बार दुश्मन मतलब अपने सैनिकों को पैदा करता रहेगा, ये है कुछ जैसे अभी आया था। तो भाई यहाँ पे स्पाइक था, मैंने देख लिया था उसे और मैंने उसे बस लगभग मार ही दिया। ओके, मैं दोबारा यहाँ पे माइंस बिछा देता हूँ और मिस्टर बी फिर गया। ओके, हम अच्छा ये मिस्टर बी का सुपर पहले ख़त्म करना पड़ेगा, कहाँ बिछाया इसने, कहाँ पे बिछा। ओके, ये रहा, देखो मैंने ख़त्म कर दिया स्टेशन। हाँ, अबे नहीं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अब ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, मेरी माइंस बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और मेरे सारे टीममेट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यार मैं मर गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा स्पॉन हो जाएंगे, यही तो अपना काम है। ठीक है भाई, पैनी का सुपर भी उसने अच्छी जगह पे लगाया है और अभी तो हम ही जीत रहे हैं और आगे भी हम ही जीतेंगे। ओके, मैंने मिस्टर बी को मार दिया है, यहाँ पे उसका सुपर भी ख़त्म कर दिया है। तो स्पाइक ने यहाँ पे अपना सुपर यूज़ कर दिया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे अपनी माइंस बिछा देता हूँ। ओके, मिस्टर बी ने मेरे को मार दिया, वाओ पेंगुइन साले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ी आगे चल के हम, अबे यार आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इतने तेज तेज हमारे पॉइंट बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे करके हम मैच जीतने वाले हैं गाइस।
स्पाइक फॉर्म में आ गया, लेकिन उसने फॉर्म में आने में थोड़ी देर नहीं कर दी। अब तो मैच खत्म ही हो गया। 3-2-1 गो, विनिंग। हम जीत चुके हैं और इस बार स्टार प्लेयर अपुन नहीं है, इस बार है प्रज्वल भाई। थैंक यू भाई, शाउट आउट टू यू। ओके, अब इस फाइनल मैच में मैं यूज करूंगा बो को। ठीक है भाई, इसमें भी बो को, क्योंकि यार जब बो अच्छा खेल रहा है तो उसे बार बार क्यों बदलना, क्या गलती करी है उसने जो हम उसे बदले, अच्छा तो खेल रहा है। ठीक है भाई, इसी बात पे फाइनल मैच शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं। मेरे साथ है शैली और नीटा। यार शैली बहुत बेकार है, शैली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वैसे तो हॉट जोन में, तब भी इसने पता नहीं क्यों ले लिया, लेकिन मैं तो अच्छा हूँ, वो तो अच्छा है, हम जीत जाएंगे तब भी। बस यार एक बार मेरा सुपर चार्ज हो जाए फिर थोड़ा अच्छा सा रहेगा, तो मैं माइंस बिछा दूंगा यहाँ पे। ओ भाई सुपर चार्ज हो गया, मैं उनके एंट्रेंस पे माइंस बिछा देता हूँ ताकि वो एंट्रेंस करते ही साथ ही माइंस का शिकार हो जाएं। ओके, मैंने नीटा को तो मार दिया है, मेरी माइंस ने उसे भी मार दिया और मेरी माइंस ने इसे भी मार दिया। वाओ, माइंस बहुत ही ओपी हैं। यहाँ पे मैं माइंस दोबारा बिछा देता हूँ, आने दो ने अंदर, आते ही मरेंगे। ओके, एम्स माइंस का शिकार हो गया है और एम्स ख़त्म। देखा भाई, माइंस का जो शिकार हो जाता है वो ख़त्म हो ही जाता है दो शॉट में। ओके, जैसे अब माइंस का शिकार नीटा हो गई है, उसे एक शॉट लगा, नीटा ख़त्म। देखो ओके, एम्स माइंस का शिकार हो गया है, वो भी ख़त्म होने वाला है, मतलब वो पीछे चला गया तो बच गया। कोई नहीं भाई, 5-1 से अभी हम जीत रहे हैं, इसलिए टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं। ओके, ओ भाई शैली का सुपर अच्छा है, वाओ। 6-1 से अब हम जीत रहे हैं, हमने हॉट जोन को पूरा डोमिनेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने माइंस तो भी बिछाई रखी हैं, तो दोबारा बिछा देता हूँ, क्या दिक्कत है। ओ भाई एम्स, ओ मैंने पैनी को मार दिया, बस मार दिया। ओके, पैनी को शैली ने मार दिया, बहुत ही अच्छा। और मेरी माइंस क्या कर रही हैं। ठीक है, अब 9-1 से हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। ओ डबल पॉइंट्स भाई, आखिरी के 30 सेकंड शुरू हो गए, अब वहाँ पे एकदम बाजी कभी भी पलट सकती है, इसलिए हमें बीच में जाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई बाजी नहीं पलटने वाले क्योंकि अब हम जीत चुके हैं। वाह भाई, तुम लोग नहीं हरा पाओगे हमें, जाओ यहाँ से। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं भाई, कुछ ज़्यादा नहीं बोला, एकदम सही मामला बोला तुमने। और ये एम्स माइन का शिकार हो चुका है, लेकिन इसने मेरे को मार दिया। ओ भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम हार नहीं सकते, नहीं आ सकते भाई। 3-2-1 गो। और इसी के साथ हम 10-7 से मैच जीत चुके हैं और स्टार प्लेयर इस बार है प्रीतम भैया, शाउट आउट टू यू प्रीतम। ठीक है, तो भाई तीनों के तीनों मैच हमने खेले, तीनों के तीनों हम बो से जीते। तो फ्रैंक हो, एल प्रीमो हो, डेरियल हो, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बढ़िया हॉट जोन के क्वार्टर पाउंडर वाले मैच में, मतलब मैप में बो ही बढ़िया है। आप भी कमेंट में बताना कि आपको सबसे बढ़िया ब्रॉलर कौन सा लगा हॉट जोन में और मिस्टर पी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। तो भाई होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना कि आपको और कौन कौन से गेम्स पे वीडियो चाहिए और ब्रॉल स्टार्स के में कौन से ब्रॉलर पे या किस हिसाब की वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय।